हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लौकी और कद्दू के पेड़ में डिफरेंस क्या होता है, और अगर हम उस पर छप्पर पे उगाते हैं या छत पे उगाते हैं तो उसमें क्या अंतर आता है। आप यहाँ पे ये लोग जो पेड़ देख रहे हैं, मैं जूम करता हूँ, ये छप्पर पे उगा हुआ लौकी का पेड़ है प्लांट, और इसमें अगर आप छप्पर पे उगाते हैं तो बहुत सारे लौकी उसमें लगते हैं। आप फूल देख रहे हैं, जितने भी फूल हैं वो सब में लौकी लगेगी। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक लौकी हमको दिख रही है। ऐसे ही अंदर अंदर बहुत सारी लौकी हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं। छप्पर पे उगाने पे ये होता है कि उस पर पाला का असर नहीं आता है, तो काफ़ी टाइम तक लौकी का पेड़ हरा रह सकता है। अगर आप वही छत पे उगाते हैं तो पाला होने के कारण वो जल्दी सूख जाता है और उसमें कम लौकी उगने के चांस रहते हैं, नंबर ऑफ लौकी कम हो जाते हैं और पेड़ जल्दी मर जाता है। ये तो आपको मैंने लौकी का पेड़ दिखाया, तो आपको मैं कद्दू की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, ये छत पे उगा हुआ कद्दू है जो बहुत अधिक पाला पड़ने के कारण इसका पेड़ जल्दी सूख गया है, पर इसमें अभी कद्दू लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े कद्दू इसमें लगे हुए हैं, और जो उसके साइड में है वो लौकी का है। लेकिन छत पे होने की वजह से या कुछ उसकी नस्ल होने की, उस पर लौकी की संख्या बहुत कम थी, इसलिए अगर आप छप्पर पे लौकी या कद्दू उगाते हैं तो काफ़ी मात्रा में लौकी और कद्दू होने का चांस रहते हैं। देखिए, ये पाला और छत मिलने की वजह से उसका पानी नहीं सूख पाया वाले का, और ओस से उसकी जड़ें सूखने लगी, और ये कद्दू पूरी तरीके से पक चुका है। आपको मैं फूल कद्दू अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया छत पे लगे हुए कद्दू और लौकी और छप्पर पे लगे हुए कद्दू और लौकी में क्या डिफरेंस आ जाता है। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।